से भरा मेरा यीशु, प्रेम से भरा मेरा यीशु, अपने प्रेम से भरने को, अपने प्रेम से भरने को हमें बुलाता है, हमें बुलाता है। शांति से भरा मेरा यीशु, शांति से भरा मेरा यीशु, अपनी शांति से भरने को, अपनी शांति से भरने को हमें बुलाता है, हमें बुलाता है। आनंद से भरा मेरा यीशु, आनंद से भरा मेरा यीशु, अपने आनंद से भरने को, अपने आनंद से भरने को हमें बुलाता है, हमें बुलाता है, हमें बुलाता है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। भाई और बहनों, आज के प्रथम पाठ में हमें मक्काबीस का दूसरा ग्रंथ से पाठ सुनेंगे। आज और कल दो दिन मक्काबीस का दूसरा ग्रंथ से पाठ है, नहीं तो पूरे हफ्ते में हमको मक्काबीस का प्रथम ग्रंथ से पाठ है। आज के पाठ में हम एलियासा नामक एक वयोवृद्ध यहूदी शास्त्री के बारे में सुनते हैं। उस ये संभव ये घटना यीशु के पूर्व लगभग 200 वर्ष पहले का है। यीशु के पूर्व 300 वर्ष पहले सिकंदर महान, जो अलेक्जेंडर द ग्रेट, जो यूनानी सम्राट है, उसने पूरे विश्व को अपने कब्जे में कर दिया था। परंतु ये बहुत 32 साल की उम्र में मर गए। उनका कोई उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं था, इसलिए उनके मरने के बाद उनका साम्राज्य विभाजित हो गया। हर एक जनरल ने अपने अपने कब्जे में कर दिया। उस सीरिया प्रांत का अधिकारी, जिसको हम कह सकते हैं कि सेलुसिड डायनास्टी, उनके कब्जे में था, और इसराइल भी उनके कब्जे में था। परंतु राजा ने अपना धर्म बनाया और लोगों को अपने धर्म के, मैंने यहूदी धर्म को छोड़कर यूनानियों का धर्म को अपनाना, यूनानी संस्कृति को अपनाना, ये सब राजा ने बाध्य किया। एलियासर जो यरूशलेम से 30 किलोमीटर दूर पर रहने वाला मदीन नाम के गांव का निवासी थे, उन्होंने इसका विरोध किया। बहुत यहूदी राजा के दबाव में आकर यहूदी धर्म के परंपराओं को छोड़ दिया और वे यूनानी संप्रदायों को अपनाया, रीति रिवाजों को अपनाए। जगांतर के राजा ने यहूदियों के ऊपर दबाव डाला कि वो सुअर का मांस खाए। एलियासर ने कहा कभी नहीं खाऊंगा, और एलियास के हिदाम से उनको उनकी भलाई चाहने वाले कुछ ऐसे लोग, यूनानी लोग भी उनसे कह रहे थे कि आप ऐसा कीजिएगा, सुअर का मांस खाने का बहाना कीजिए, आप अपना मांस अपने लिए मांस बनाकर लाइए और सबों के सामने उसको खाइए, परंतु लोग समझेंगे आप सुअर का मांस खा रहे हैं, आप बच जाएंगे, ईश्वर के कानून का उल्लंघन नहीं करते हैं आप। ऐसे बहुत लोग हमारे आज के दुनिया में भी ऐसे ऐसे विचार रखने वाले हैं, बगाने के लिए धर्म का आचरण करना। ऐसे बहुत लोग हैं, क्यों कहते हम व्यस्त है, रविवार के दिन प्रभु के मंदिर में जाना ये सब छोड़ देते हैं। रविवार के दिन हम इतने व्यस्त है कि कहते हैं कि हमें हफ्ते में एक दिन मिलता है, इसलिए हमें चाहिए आराम का समय, हमें चाहिए ये सब करने के लिए, धार्मिक बातों के लिए हमारे लिए समय नहीं है। बहुत लोग ऐसे भी जनसाधारण ये करते, इसलिए हम भी करते हैं।
जैसे घूस लेना, दफ्तर में घूस लेने वाले बहुत हैं, ऐसे लोग व्यवहार में आकर ईश्वर के आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं। दूसरे लोग गर्भपात करते हैं इसलिए हम भी करें, दूसरे लोग चोरी करते हैं इसलिए हम भी करें, दूसरे लोगों का बढ़िया बढ़िया मकान है इसलिए हम भी उसके अनुरूप व्यवहार करें। एलिया सर हमें सिखाते हैं कि ऐसा कभी नहीं करने का है, क्योंकि हमारे जो आचरण है उसका प्रभाव दूसरे लोगों पर पड़ता है। जो हमारी संस्कार और धर्म के जो तत्व उसको ग्रहण करने वाले बहुत लोग हम पर निर्भर है, हमारे व्यवहार पर निर्भर है। इसलिए एलिया सर ने सब इनकार कर दिया, वो मरने के लिए तैयार हो गया, वो मारा भी गया, परंतु उन्होंने कभी गलत काम नहीं किया। आज के सुसमाचार में हम पढ़ते सकेउस के बारे में, हम बार बार सकेउस के बारे में सुनते भी हैं। सकेउस एक चुंगी पर रहने वाला है, चुंगी लेने वाला है, नाकेदार सकेउस। सकेउस उस जमाने में, यीशु के ज़माने में, नाकेदार लोगों को भ्रष्ट मानते थे, राष्ट्रद्रोही मानते थे, क्योंकि ये रोमियों के लिए काम करता है। सकेउस एक धनाढ्य व्यक्ति था, नाकेदारों का वो मुख्य था, इसलिए बहुत कमाते भी है। परंतु जब यीशु जरीको से जा रहे थे, सकेउस ने सुना यीशु शहर में आए चले जा रहे हैं यरूशलेम की ओर, वो यीशु को देखना चाहता था, परंतु वो छोटा कदम का व्यक्ति था इसलिए आगे दौड़ते हैं। भीड़ के कारण वो पेड़ पर, गुलर के पेड़ पर चढ़ जाते हैं, सिकमोर ट्री, और यीशु को देखने की इच्छा के वो बैठे थे। परंतु यीशु जब उस पास आया, उनको नाम लेकर पुकारा, कहा आप नीचे आइए, आज मैं तेरे साथ रहने वाला, तेरे घर में रहने वाला हूँ। और लोग कहने बुनबुनाने लगे, यदि नाकेदार के घर जा रहे थे, नाकेदार उनको पापी मानते, भ्रष्ट मानते थे, जो यदि राष्ट्रद्रोही मानते हैं, ऐसे व्यक्ति के पास जाकर आराम करे, भोजन करे, विश्राम करे। परंतु यीशु के ये थी, यीशु के इस आचरण से सकेउस के जीवन में परिवर्तन आ गया। सकेउस ने अपने संपत्ति का आधा हिस्सा गरीबों को बांट दिया, जिन लोगों को उन्होंने धोखे से लूटा है, ऐसे लोगों को वो चार गुना वापस देने का निर्णय किया। प्रभु यीशु ने कहा आज इस घर में मुक्ति आई है। सखी पश्चाताप हमें ईश्वर से जोड़ देते हैं। सकेउस हमारे लिए एक नमूना है। यदि भी हमें पाप करने का अवसर हो गया, हम पापी बन गए हैं, फिर भी पश्चाताप करके प्रभु के पास लौट आना, हमारा ईश्वर दयालु ईश्वर है। परंतु प्रभु हमसे चाहते हैं कि हम ईमानदारी से जीवन बिताए। एलीसार हमें सिखाते हैं कैसे ईमानदारी से जान देकर भी ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करें। ये ऐसे ऐसे लोग हमारे लिए आदर्श लोग हैं कि हम भी विश्वास का जीवन जीते हैं, और ये लोग हमसे पहले विश्वास का जीवन जीत कर हमें ये मार्गदर्शन दिया है। आइए आज हम अपने अंधकरणों को जान के देखें। इस पाठ को सुनने के लिए और आज इस मिशन बलिदान जो कृति से चढ़ाने के लिए हम प्रभु के सामने हमारे पापों गलतियों के लिए माफी मांगे। प्रभु शांति दाता प्रभु, मुक्त कर दे हमें अपराधी, मुक्ति दाता प्रभु शांति दाता प्रभु, मुक्त कर दे हमें अपराधी है हम, मुक्त कर दे हमें अपराधी है हम, मुक्त कर दे हमें दया सागर प्रभु कृपा सागर प्रभु, दया हम पे तू कर प्रभु पापी है हम, दया सागर प्रभु कृपा सागर प्रभु, दया हम पे तू कर प्रभु पापी
सर्वशक्तिमान ईश्वर आप लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको आनंद जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्ग के पिता, समस्त कल्याण का जीवंत स्रोत, आदिकाल में ही तूने प्रतिज्ञा की थी कि तू मानव जाति का त्राण अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु के द्वारा करेगा। प्रभु यीशु की नई आज्ञा का पालन करते हुए हम विश्वास और प्रेम के साथ तेरी सेवा और अंत में दिव्य दर्शन प्राप्त कर सके। हे प्रभु, ऑनलाइन में इस मिशा में भाग लेने वाले सभी भाई बहनों को, उनके परिवारों को, उनके काम धंधों को, उनके और समस्याओं को, जरूरतों को हम तेरे पावन हाथ में सौंप देते हैं। ये पिता तू सबको जानता है, सबों पर दया कर, पापियों को पछताव का अवसर दे, दुखियों को दिलासा दे, रोगियों को चंगाई दे, परिवार में एकता दे। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। बुद्धि को तेज हृदय को उदार करने वाले ईश्वर की आत्मा मुक्ति का संदेश सुनाने में तुम्हें कृपा और सामर्थ्य प्रदान करे। आमीन। दूसरा पाठ, मक्काबियों का दूसरा ग्रंथ, अध्याय 6 पद संख्या 13-18 तक। मैं यह अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करूंगा कि किस प्रकार पवित्र विधियों की रक्षा के लिए कोई स्वेच्छा से मर सकता है। एलेआजार मुख्य शास्त्रियों में से एक था। वह बहुत बूढ़ा हो चला था और उसकी आकृति भव्य तथा प्रभावशाली थी। वह अपना मुंह खोलने और सुअर का मांस खाने के लिए बाध्य किया जा रहा था, किंतु उसने कलंकित जीवन की अपेक्षा गौरवपूर्ण मृत्यु को चुना। वह सुअर का मांस उगलकर स्वेच्छा से उस स्थान की ओर बढ़ा जहाँ कोड़े लगाए जाते थे। ऐसा उन लोगों को करना चाहिए जिन्हें जीवन का मोह छोड़कर वर्जित भोजन अस्वीकार करने का साहस है। उस अवैध भोजन का प्रबंध करने वाले एलेआजार के पुराने परिचित थे। उन्होंने उसे अलग ले जाकर अनुरोध किया कि वह ऐसा मांस मंगवा कर खाए जो वर्जित नहीं है और जिसे उसने स्वयं पकाया है, और राजा के आदेशानुसार बलि का मांस खाने का स्वांग मात्र करे। इस प्रकार वह मृत्यु से बच सकेगा और पुरानी मित्रता के कारण उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाएगा। किंतु उसने एक उत्तम निश्चय किया जो उसकी उम्र, उसकी वृद्धावस्था की मर्यादा, उसके सफ़ेद बालों, बचपन से उसके निर्दोष आचरण और विशेषकर ईश्वर द्वारा प्रदत्त पवित्र नियमों के अनुकूल था। उसने उत्तर दिया, मुझे तुरंत अधोलोक पहुंचा दो, मेरी अवस्था के इस प्रकार का स्वांग अनुचित है। कहीं ऐसा न हो कि बहुत से युवक यह समझे कि एलेआजार ने 90 बरस की उम्र में विदेशियों के रीति रिवाज अपनाए हैं। मेरे जीवन का बहुत कम समय रह गया है, यदि मैं उसे बचाने के लिए इस प्रकार का स्वांग करता तो वे शायद मेरे कारण भटक जाते
और मेरी वृद्धावस्था पर दोष और कलंक लगा जाते। यदि मैं इस प्रकार अभिमनुष्यों के दंड से बच जाता तो भी चाहे जीवित रहूं अथवा मर जाऊं, मैं सर्वशक्तिमान के हाथ से नहीं छूट पाता। इसलिए यदि मैं अभिसाहस के साथ अपना जीवन अर्पित करूंगा, तो मैं अपनी वृद्धावस्था की प्रतिष्ठा बनाए रखूंगा। और युवकों के लिए यह अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करूंगा कि किस प्रकार पूज्य तथा पवित्र विधियों की रक्षा के लिए कोई स्वेच्छा से और आनंद के साथ मर सकता है। यह कहकर एलियाजार सीधे उस स्थान की ओर बढ़े जहां कोड़े लगाए जाते थे, जो पहले उनके साथ सहानुभूति दिखलाते थे। वे अब उनके साथ दुर्व्यवहार करने लगे, क्योंकि एलियाजार ने उससे जो कहा था वह उन्हें मूर्खता ही लगी। कोड़ों की मार से मरते समय एलियाजार ने आह भर यह कहा, प्रभु सब कुछ जानता है। वह जानता है कि मैं मृत्यु से बच सकता था। मैं कोड़ों की मार से जो असहनीय पीड़ा अपने शरीर में भोग रहा हूँ, उसे अपनी आत्मा से स्वेच्छा से स्वीकार करता हूँ, क्योंकि मैं उस पर श्रद्धा रखता हूँ। इस प्रकार वह मर गया, और उसने मरते समय न केवल युवकों के लिए बल्कि राष्ट्र के अधिकांश लोगों के लिए साहस तथा धैर्य का आदर्श प्रस्तुत किया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु मुझे संभालता है, प्रभु मुझे संभालता है। हे प्रभु, कितने ही है मेरे शत्रु, कितने ही मुझ पे मुझसे विद्रोह करते हैं, कितने ही मेरे विषय में यह कहते हैं उसका ईश्वर उसकी सहायता नहीं करता। अनुवाक्य। प्रभु मुझे संभालता है। हे प्रभु, तू ही मेरा ढाल और मेरा गौरव है, तू ही मेरा सिर ऊपर उठाता है। जो ही मैं प्रभु की दुहाई देता हूँ, वह अपने पवित्र पर्वत से मुझे उत्तर देता है। अनुवाक्य। प्रभु मुझे संभालता है। मैं अपनी संया पर लेटकर सो जाता और फिर जागता हूँ, क्योंकि प्रभु मुझे संभालता है। मैं उन लाखों शत्रुओं से नहीं डरता जो चारों ओर मेरे विरुद्ध खड़े हैं। अनुवाक्य। प्रभु मुझे संभालता है। जय घोष। अल्लेलुया अल्लेलुया। ईश्वर ने हमको पहले प्यार किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा है। अल्लेलुया। लॉर्ड अगेंस्ट माय हर्ट उपलब्ध में गॉस्पेल वॉसली। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत लुकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 19 पद संज्ञा 1-10 तक। यीशु जरीको में प्रवेश कर आगे बढ़ रहे थे। सकियुस नामक एक प्रमुख और धनी नाकेदार ये देखना चाहता था कि यीशु कौन है, परंतु वह छोटे कद का था, इसलिए वह भीड़ में उन्हें नहीं देख सका। वह आगे दौड़कर यीशु को देखने के लिए एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वह उसी रास्ते से आगे जाने वाले थे। जब यीशु उस जगह पहुंचे तो उन्होंने आंखें मुंह पर उठाकर सकेयुस से कहा, सकेयुस जल्दी नीचे आओ,
क्योंकि आज मुझे तुम्हारे यहाँ ठगरना है। उसने तुरंत उतरकर आनंद के साथ अपने यहाँ यीशु का स्वागत किया। इस पर सब लोग एक कहकर बुनबुनाने लगे, वह एक पापी के यहाँ ठगरने गए। शकियुस ने दृढ़ता से प्रभु से कहा, प्रभु देखिए मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को दूंगा और मैंने जिन लोगों के साथ किसी बात में बेईमानी की है उन्हें उसका 6 गुना लौटा दूंगा। यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है क्योंकि ये भी अब्राहम का बेटा है जो खो गया था। मानव पुत्र उसी को खोजने और बचाने आया है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रीस्त प्रभु की जय। तेरे आए हैं भगवन, भेंट अपनी लाए हैं भगवन, द्वार तेरे आए हैं भगवन, भेंट अपनी लाए हैं भगवन, स्वीकार प्रभु, स्वीकार प्रभु, स्वीकार प्रभु, स्वीकार प्रभु, गेहूं की रोटी लेके प्रभु जी आए हैं, ताक रस का प्याला भी ले आए हैं, गेहूं की रोटी लेके प्रभु जी आए हैं, ताक रस का प्याला भी ले आए हैं। आशीष दे तू पावन कर हे प्रभु, स्वर्गीय भोजन दे हमें प्रभु, स्वीकार प्रभु, स्वीकार प्रभु, स्वीकार प्रभु, स्वीकार प्रभु। भाई और भगनों प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हम लोगों के बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलेसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करे। ये प्रभु जो उपकार हम तेरे पास लाते हैं ये हमारे लिए तेरे प्रति अटूट भक्ति के प्रतीक बने जिससे हम आनंद मुक्ति प्राप्त करें। हे प्रभु इस बलिदान के योग्यता से रोगियों को चंगाई मिले, नशे के बंधन से लोगों को तू मुक्त कर पिता। ऐसे सभी लोगों को समर्पित करते हैं, सभी परिवारों को समर्पित करते हैं, इन सब परिवारों पर तेरी कृपा बनी रहे प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए, हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दे, यह उचित और आवश्यक है। ये पूज्य पिता ये परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। हम प्रेम पूर्ण हृदय से इनकी मृत्यु का स्मरण करते हैं, विश्वास के साथ इनके पुनरुत्थान की घोषणा करते हैं और अटल भरोसे के साथ इनके महिमापूर्ण आगमन की बाट जोखते हैं। इसलिए हम सभी दूत और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हैं और कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण हैं, स्वर्ग में प्रभु की जय, धन्य वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं, स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पावन पिता,
तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू ये उपकार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पीवो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में ये किया करो। ये है हमारा विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त प्रभु मर गए, ख्रिस्त प्रभु जी उठे, ख्रिस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परम पावन पिता, यह आज्ञा हम अपनी प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कठोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन और सभी याचकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुदीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। ये प्रभु हमारे उन भाई बहनों के बीच सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सितार चुके हैं। हम अपने मृत माता पिता, हमारे पूर्वज, हमारे मृत गुरुजन, हमारे मृत धर्म गुरुओं, धर्म शिक्षकों, धर्म बहनों, हमारे मृत उपकारियों, हमारे मृत पड़ोसियों और इस इलाके से मर्द सभी विश्वासियों को जात करते हैं और उन्हें प्रभु के पावन हाथों में सम देते हैं। हे प्रभु, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी आनंद जीवन के सौभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुवारी मरियम, उसके शुद्ध वर सेंट जोसेफ, प्रेरित गण अब सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक से भी गाये मने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु का ये शोकान करें। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, ये सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादत दा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन।
प्रभु यीशु ने अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा पाप और शैतान पर अधिकार पाया, उनको पराजित किया और पवित्र आत्मा को देकर हमें ईश्वर के पुत्र पुत्र यह मनाया है। और प्रभु यीशु ने हमें सिखाया ईश्वर हमारा पिता है, इसलिए हम साहस करते हैं और कहते हैं ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो, हमारा प्रतिदिन गागा राज हमें दे और हमारे अपराध क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन। ये प्रभु हम तुझ से प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर हर विपत्ति से सुरक्षित रह गए और उस दिन की प्रतीक्षा करते रह गए जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास और प्रेम पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज करता है, आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति भाव रखे। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप फल लेता है हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप फल लेता है हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप फल लेता है हमें शांति प्रदान कर। प्रवेश शरीर रक्त को समस्त करने वाले हमारे अनंत जीवन प्रदान करे। प्रवेश मैं तेरा शरीर रक्त ग्रहण करने वाला हूँ, ये मेरे लिए विचार और तंड का कारण बने बल्कि तेरी दया से मेरा तन मन सुरक्षित स्वस्थ रहे। देखिए प्रभु यीशु ख्रिस्त संसार के मुक्तिदाता जो हमारे पाप पर लेते हैं, धन्य हैं हम जो प्रभु के इस जीवनदायक बोझ में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे आवे, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। प्रवेश करता करो तो मैं अनंत जीवन प्रदान करिए। आ जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीहा, आ जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीहा, बस जाओ मेरे दिल में प्यारे रहूं मैं अधूरा, भर जाऊं आत्मा से पूरा, अपना रहूं मैं किनारे, मंजिल यीशु तू मेरी, मेरे दिल में प्यारे मसीहा, मेरे दिल में प्यारे मसीहा, मेरे दिल में प्यारे।
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हे हमारे पिता, तेरी दया से हमें परम प्रसाद का वरदान मिला है। तेरे पुत्र ने आज्ञा दी है कि हम उनकी स्मृति में यूक्रिस्त का समारोह मनाया करें। ये पावन संस्कार हमारे हृदय में प्रेम की वृद्धि करे, आपसी प्रेम की वृद्धि हमारे परिवारों में, हमारे समाज में, हर धर्म के बीच, पूरे मानव जाति के बीच बढ़ते जाए। ये हमारा नम्र निवेदन है हमारे प्रभु क्रिस्ट के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा ले, प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। ये धरती आसमां, ये वन उपवन, ये पवन चमन,